और समुद्र शोक का प्रतीक है, अवगाही शोक समुद्र। पहाड़ अहंकार का प्रतीक है, सागर शोक का प्रतीक है। और बंधुओं, जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अहंकार को उठने न दे, धन का, पद का, वैभव का, प्रतिष्ठा का, रूप का, गुण का, योग्यता का, अहंकार बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर अहंकार लोगों को होता है। तो जो अपने जीवन के अहंकार को उठने न दे और बड़े से बड़े शोक को घूंट भर कर पी ले, विचलित न हो जाए, शोक में डूब न जाए, वही समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है और करवा सकता है। विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अनुभव क्या होता है, आदमी कब बिगड़ता है, या तो अहंकार में बिगड़ता है, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा पैसा मिल जाए, बड़ी जय जयकार में अब हमको कौन रोकेगा टोकेगा, जो चाहे सो करे, पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं, पद से किसी को भी रगड़ सकते हैं। तो जब व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अहंकार आता है तो भी व्यक्ति में पतन आता है, और जब व्यक्ति बहुत गहरे शोक में डूबता है तो भी बुराई में डूब जाता है। आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, बड़े बड़े देवता जैसा जीवन जीने वाले बाद में शराबी हो जाते हैं, नशीले हो जाते हैं, नशीली ड्रग्स लेने लगते हैं, कुछ और झंझट में फंस जाते हैं। उनसे पूछो कि ये तुम तो ऐसे थे नहीं, तुम तो मूली भी नहीं खाते थे, इतने सात्विक थे, ये बोतल, ये शराब, ये ड्रग्स, ये कैसे आ गई तुम्हारे हाथ। बोले क्या बताऊं, इकलौता बेटा था, जवान बेटे की मौत हो गई, पूरा घर अंधकार में डूब गया, शोक को सहन नहीं कर पाया, इसलिए गम को भुलाने के लिए ये बोतल पीनी पड़ती है। आदमी दो ही समय बिगड़ता है, या तो गम में बिगड़ता है या तो अहम में बिगड़ता है। अब हम इतने बड़े हो गए कि हमको कोई ना रोक सकता है ना टोक सकता है, हम चाहे जिसको नाक रगड़वा सकते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा नाक रगड़नी पड़ जाती है कई बार, अहंकार ठोकर। भगवान का जो भोजन है, ये थाल में जो परस कर लगाते हैं, इसे तो जैसा कहते ऐसा लौटा देते, उसमें जो हमारे भीतर का अहंकार है कि मैं 56 भोग लगा रहा हूं, भगवान अहंकार को दृष्टि से खींच लेते हैं, प्रसाद वापस कर देते। तो जो जीवन में किसी भी प्रकार के अहंकार को उठने न दे, मेरी क्या क्षमता थी, ये तो मेरे पूर्वजों के पुरखों की गुरुदेव की कृपा हुई है कि मेरे जैसा साधारण आदमी व्यासपीठ पर बैठा है, ये तो हमको ऊंचा आसन मिलता है, लोग खड़े होकर कुर्सी छोड़ते हैं, ये हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा वो फलित हो रही है। तो जो हमेशा कृतज्ञ रहता है गुरुजनों के प्रति, माता पिता बड़ों के प्रति, वो हमेशा बच जाएगा। कोई कलयुग नहीं है बंधु, कोई कलयुग नहीं। कलयुग में भी आप सत्युग का जीवन जी सकते हैं, और जितने महापुरुषों के बारे में आप पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ के देखिए, सब कलयुग के महापुरुष हैं, एक भी सत्युग का नहीं है। तो जो सब प्रकार के अहंकार को दबाए रखे, उठने न दे और बड़े से बड़े शोक में भी विचलित न हो जाए, घूंट भर के पी जाए, मौन हो जाए, वही जीवन की बुराइयों को दूर कर सकता है और करा सकता है।